वाली सर, ये आपके पीआर वाले पास से फोटो। मैं हूँ डॉक्टर जनकराज जी हैं और मेरे साथ जो है भाई सुंदर जी भी साथ हैं, माननीय एमएलए सीपीएस हैं भाई साहब और पूरी टीम है, और जगत सिंह नेगी जी जो हमारे माननीय मंत्री जी है, हाँ सारे सुरेंद्र शौरी जी, भाई केवल जी पठानिया जी और भाई पूरन जी, हम सब लोग जो हैं वो उत्तराखंड के इन किसानों के जो खेत हैं वहां पर हैं, जहां पर लीगल तरीके से जो भांग की खेती है उसका काम जो है वो जोरों शोरों पे है। आप देख सकते हैं 6-6 फीट की हाइट के जो है वो प्लांट है यहाँ पर, 6-6 फीट की। मैं आपको ये दिखाता हूँ पिक्चर, ये मेरे साथ सारी टीम, हम सब लोग और माननीय जगत सिंह नेगी जी जो माननीय मंत्री हैं उनकी अगुवाई में हम सब लोग आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट हैं ये, बहुत बड़े बड़े और हिमाचल में जो है वो बहुत बड़ा पोटेंशियल है। भाई सुंदर जी, जो हमारे सीपीएस हैं, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? देखिए, एक बहुत बड़ी पहल है कि जो हमारे बैंक भांग के ऊपर जो कैनबिस बोले या हेम्प बोले, ये जो अभी यहाँ पे खेती है ये बता रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग में ये कर रहे हैं, तो ये जो लोग नशे में बेचारे फंस रहे हैं या वो, उनको इस खेती का विकल्प के तौर पे दिया जाएगा और ये लीगल है, बिना नशे के है, और इसके जो इंडस्ट्रियल पर्पस है फार्मास्यूटिकल कैंसर की दवाइयां सीबीडी इसी से बनेगी और बहुत सारी दवाइयां बनेगी, उसके साथ में जो आपके जो ये हमारी भांग के रेशे का कुर्ता, और मैंने जो जैकेट लगा रखी है ये भी भांग के रेशे की जैकेट है, आप नजदीक से देख सकते हैं, और बहुत शानदार तरीके से, बहुत बड़ा ये कदम होगा हिमाचल सरकार का जिसमें सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। जी भाई शौरी जी भी साथ हैं, इनके कुल्लू में बंजार में भाई साहब भी साथ हैं, और देवेंद्र जी भी हैं हमारे एडवोकेट हैं जो इसमें वकालत कर रहे हैं पिछले कई सालों से हिमाचल में। भाई आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि इंडस्ट्रियल हेम्प देखो यहाँ पे इतने आराम से उग रहा है, लोग पैसा कमा रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट फार्मर यहाँ के पैसा कमा रहे हैं, तो यही अपॉर्चुनिटी जो है हिमाचल को अपनानी चाहिए, और इससे मेडिकल कैनिबस भी करना चाहिए, इससे लोगों के हक जो है वो सेटिस्फाई होंगे, लोगों का राइट टू मेडिसिन, लोगों का राइट टू ट्रेड लाइवलीहुड, ये पेशेंट्स को दवाइयां पहुंचेंगी, फार्मर्स को पैसा पहुंचेगा, हिमाचल को रेवेन्यू आएगा, इसके लिए ये सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, और पॉलिसी बनाने का जो तरीका है वो एक मिसाल है अपने आप में कि हमारे जो नेता हैं एमएलए हैं सारे जगह जाके स्टेक होल्डर से मिलके, साइंटिस्ट से मिलके, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलके, दूसरे स्टेट से डिलीब्रेशन करके फिर पॉलिसी बना रहे हैं, तो पॉलिसी बनाना अपने आप में ही एक मिसाल है, बाकी जो ये काम हो रहा है उससे तो फंडामेंटल राइट सेट होंगे ही होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ये हिमाचल प्रदेश में, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जब विधानसभा में कहा कि आप माननीय विधायकों को, जैसा कि भाई पूरन जी ये लाए थे विषय सारा, लेकिन भाई पठानी जी आप क्या कहेंगे इस पे? मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने की व्यवस्था परिवर्तन की बात कही, और ये पहली बार जो किसानों का, जो मैं कहता हूँ किसानों का जो हक था, और ये जो हेम पे हम नीति ला रहे हैं और लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सारा क्रेडिट जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जाता है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जगत सिंह नेगी जी का, भाई सुंदर सिंह ठाकुर जी का, इनके नेतृत्व में टीम जो है, सभी विधायक जो हैं, अब मैं कहता हूँ, और जो सबसे बड़ी बात, ये मैंडेट कोई एक पार्टी का मैंडेट नहीं है, सबसे बड़ी अच्छी शुरुआत जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की है, मेरे साथ बड़े भाई हंसराज जी जो कि वरिष्ठ विधायक हैं, भाई पूर्ण जी लगातार जिला परिषद में रहे हैं, हमारे पास मेडिकल एक्सपर्ट भी है जो की मैं कहता हूँ लगातार न्यूरो के हिमाचल के नॉर्थ जोन में नंबर वन डॉक्टर है मेडिकल के हिसाब से देखेंगे, भाई सौरी जी और सुंदर जी तो एंटरप्रेन्योर है, इनके इलाके में भंग होती है, तो एक मैं कहता हूँ चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ये हिमाचलियों का मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बनाया, और हिमाचल जिस तरीके से एडवोकेट हमारा देवन है, एक्साइज के अफसर है, सब लोगों की जुड़ी मिला जुला प्रयास, ये क्रेडिट दे, हाँ डोगरा जी हैं, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, ये इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं है, इसमें हिमाचलियत की बात और हिमाचल के लोगों का जो है हक की बात, और हिमाचल आर्थिक तरीके से जो है माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में आगे बढ़े, ये एक निर्णय है। भाई जनकराज जी आप साथ हैं क्योंकि मेडिकल जो एक्सपर्टीज है वो आपके पास है, आपने तो स्वयं आईजीएमसी में एज ए एमएस ये सब कुछ किया हुआ है। मैं दर्शकों इसीलिए पूछ रहा हूं कि किसी को भ्रम न रहे, लोगों के खेतों में हम गए हैं, उत्तराखंड में हैं, अभी हम लोग देहरादून में हैं, साथ में भाई पूरन जी हैं, पर मैं जनकराज जी से पूछना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आपने तो बहुत सारे लोगों को एडवाइस भी करा हुआ है, आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है वो खुद से देखी भी हैं और करवाई भी हैं, एज ए विधायक आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और ये हमारे हिमाचल प्रदेश में नेचुरली भी उगती है, तो अगर हम इसको कंट्रोल्ड तरीके से उगाएंगे
तो हमारी स्टेट की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और आने वाले समय में जो नशे के प्रवृत्ति है लोगों की, इस चीज को नशा के रूप में इस्तेमाल करना, वो भी कम होगा और जो इलीगल ट्रेड की वजह से बेचारे जो लोग जेलों में जेले काट रहे हैं, उस चीज से भी लोगों को आने वाले समय में निजात। मेडिकली भी हम लोग कहते हैं कि भाई इससे जो है वो बहुत बड़ा लाभ हिमाचल और पूरे भारत को होने वाला है, क्योंकि इतनी ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत है हमारे देश में जो दवाइयां इनसे बनती हैं, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे तो इकोनॉमिकली हमारी स्टेट के लिए बहुत अच्छा होगा। भाई पूरन जी हैं, आपने प्रस्ताव मूव किया था हाउस में जिसमें हम भी बोल पाए थे, सब लोग बोल पाए थे माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहेंगे अपने लोगों को? ऐसा है, मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले तो मैंने द्रंग की बात करनी चाहिए, क्योंकि द्रंग जो चुनाव क्षेत्र है हमारा बहुत ही एक पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है, और हमारा चौहार घाटी का क्षेत्र है, लाका बदार का क्षेत्र है, उत्तरशाल की जो ऊपर पहाड़ियों का क्षेत्र है, वहां पर इस भंग की खेती की अपार संभावना है। और मैंने जैसे देखा, मैं द्रंग की बात करना चाहूंगा, द्रंग से मेरा ख्याल सैकड़ों लोग हमारे जेलों के अंदर है, जब इस भांग की खेती को लीगल कर दिया जाएगा तो हमारे लोगों को जो रेवेन्यू भी मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगी, सरकार को भी रेवेन्यू मिलेगा और हमारे किसानों की आर्थिकी जो है सुदृढ़ होगी। हमने प्रस्ताव रखा सुखू साहब से, हमने जो मुख्यमंत्री है माननीय हिमाचल प्रदेश के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री आज की डेट में, हमने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा, उन्होंने प्रस्ताव को जो उन्होंने हमें सुखू जी ने प्रस्ताव लाने की जो हमें अनुमति दी, और उन्होंने विधानसभा के अंदर उसी दिन ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि 5-10 कमेटी बनाई जाए और ये अपने जहां जहां भंग जाती है, भंग उगाई जाती है, वहां वहां पर ये दौरा करे कमेटी, वहां की रिपोर्टें लाए। और इस सिलसिले में हम कल उत्तराखंड के बहुत कई स्थानों पर गए जहां पर हमने भंग के बारे में देखा, लोगों से जानकारी ली, तो इससे हमारी मैं और केवल जी और भाई जनक जी, पूरन जी और माननीय जगत सिंह नेगी जी जो हमारे इस पूरी कमेटी के अध्यक्ष भी हैं और माननीय मंत्री है हिमाचल प्रदेश में, हमने विधानसभा में भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं कि अगर उत्तराखंड आगे बढ़ सकता है तो हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं बढ़ सकता। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिनके सानिध्य से जो है वो हिमाचल के लोगों को, विशेषकर बेरोजगारों को, हमने कहा था हाउस में भी कि एक 10 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए, 2000 के लिए, 10,000 के लिए जो है वो व्यक्ति 14-14 साल के लिए जेल में न जाए। हम नारकोटिक्स उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर इंश्योर करेंगे कि जो इसका मेडिकल पर्पज है और दूसरा जो इंडस्ट्रियल पर्पज है जिसमें रोजी रोटी का सवाल जो हिमाचल में है। भाई शौरी जी भी साथ हैं, भाई शौरी जी आप कैसे इलेबोरेट करेंगे इस चीज को, क्योंकि आप भी वैसे इलाके से हैं जहां भांग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई। मैं जब यहां पर इस पौधे को देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि हमारे कुल्लू में भी ऐसा पौधा होता है जी, हमारे लोकल लैंग्वेज में इसको बीजिया बोलते हैं, बीजिया, इसके टॉप में बघोड़ू लगता है। अच्छा, तो बिल्कुल इसमें नशा नहीं होता है, ये नशा मुक्त पौधा है जी, ये नशीली खेती सुरेंद्र जी। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की खेती हो, जो ये इंडस्ट्रियल हेम्प का पौधा हम देख रहे हैं कि भाई नशा रहित तो भांग दम दिख रहे हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में वहां पर बीजिया बोलते हैं। इसका रेशा भी काम में आता है, इसका तना भी काम में आता है, इसका बबूत भी काम आते हैं, सब चीज इसमें काम आती है, तो इसलिए ये खेती हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए। सॉरी जी, थैंक यू। अब मैं अपना चुरैया ने बोलना चाहते हैं कि भाई देखो जया सड़े मेनू जय खाम खैर जयलामा चले गया, और चाहे सो हिंद है ब्रह्मार्थ हो हिंद, चाहे वो अपने पांगी से हैं, चाहे वो चंबा प्रॉपर से हैं, पर जी आज गल बड़ी समझ ने भाई क्या करे कि अपने पेटी एडी एडी पेटी है जी, जी वही बी बाह कर ला रहा है और मोह लग तो जी अगर आए भी अगर चुरा मैं जिन हिसाब है जी सड़े मेनू बड़े बदनाम हो रहा है चोरे और गए थे भी कोई थी तेन बेचारा रोज रोटी कमाने ते किस न किस कहते कहते है, पर जी चिंता कहने उसकी जरूरत ना, ये पूरे चुराम जी असो कोशिश कहने कही कि भाई के करे छू छू लीगल भूया और आई ऐसा भी फार्मिंग मतलब खेती कहने शुरुआत करी और एने बार टाइम हम जे क्या है सही टाइम यही छिगाना जल्ला मो लगता क्या सो सब ना कर दी जान सुधरने एक सारे जब विधायक आते सब सौ गया थे एक क्या है बीजेपी रा बंदा सौ शौरी ए भाई साहब कांग्रेस रे बेशक आते भाई साहब जनक राज एना तो सब जानते और भाई पूरन एना भी सब जानते। मेरे ख्याल में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी संख्या में आप जुड़े, शेयर जरूर करें, हिमाचल के बच्चे बच्चे तक मैसेज जाए और हिमाचल सरकार का जो इनिशिएटिव है और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का जिन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग किया है, भाई
कुलदीप सिंह पठानिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ओपोजिशन के लीडर माननीय जयराम जी ठाकुर का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें करना चाहिए कि उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से वो मोटिवेट किया हम सब लोगों को और कहा कि जो चूक हमसे रह गई थी या थोड़ा सा हम लोग पीछे रह गए थे वो हमारी ये सरकार जो है वो कम्प्लीट करेगी, क्योंकि हिमाचली और हिमाचल के हित की बात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चुनाव। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।